हेलो एवरीवन, वेलकम टू खिज़रान टेस्टी ट्रिक किचन। कैसे हैं आप सब लोग? आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी वो है बफलो विंग्स। बड़ी मज़े की है रेसिपी, ज़रूर ट्राई करें। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलते हैं, अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। ये विंग्स मैंने लिए हैं, ये तकरीबन 10 विंग्स हैं, 1 kg के करीब हैं। ये ज़रा बड़ा साइज़ है तो इसलिए वो ज़्यादा लग रही हैं। और इनको मैंने, इनकी स्किन उतार दी है, इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब इसको हम कोट करेंगे। 1 cup मैंने फ्लावर लिया है और ऑल पर्पस फ्लावर लिया है, और उसके साथ मैंने 1/2 cup इसमें वो लिया है कॉर्नफ्लावर लिया है, और 1 teaspoon मैंने सॉल्ट डाला है। ये देखें, ये रखा हुआ है मैंने। अब हम इसको इसके साथ कोट करेंगे अच्छी तरह से, और फिर इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। तो मैं कोट करके आपको दिखाती हूँ। बस ऐसे आप डालते जाएं और ये अच्छी तरह कवर हो जाएंगी, और इसको फिर हम मिक्स करेंगे और फ्राई कर लेंगे। कभी कभी जो है वो फ्राई चीज़ें भी खा लेनी चाहिए। और जैसे आजकल लॉकडाउन में बच्चे भी घर पे हैं और उनकी भी बड़ी फरमाइशें चलती हैं, तो चलता है फिर इस लॉकडाउन में तो चलता है। मैंने कुछ अर्सा पहले आपको दूसरी विंग्स भी सिखाई थी, वो भी बहुत इजी, बड़ी क्विक बन जाती हैं। वो मैंने बनाई भी एयर फ्रायर में थी। इसको आज हम जो है वो डीप फ्राई करेंगे। ये देखें कितनी अच्छी कोट हो गई हैं। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। फिर फ्राइंग मैंने स्टार्ट कर दी है, और जैसे ये ज़रा लाइट गोल्डन हो जाएंगी तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और ये मैं इसी तरह सारी करके तो फिर आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, फिर इसकी हम सॉस तैयार करेंगे। विंग्स हमने फ्राई कर ली हैं, ये देखें कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। अब इसकी सॉस तैयार करते हैं। सॉस तैयार करने के लिए मैंने लिया है 1/2 cup ऑयल, उसके अंदर 1 medium अनियन जाएगा। इसको हल्का सा ट्रांसपेरेंट करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर 2 tablespoon गार्लिक चॉप डालेंगे। ये ट्रांसपेरेंट हो गया है, अब इसके अंदर हम 2 tablespoon ये डालेंगे गार्लिक। अब इसको इतना कुक करेंगे कि ये हल्का सा गोल्डन हो जाए गार्लिक, उसके बाद हम बाकी की सॉस डालेंगे। ये गोल्डन हो गया है, अब इसके अंदर 1/2 cup टमेटो प्यूरी डालनी है। टमाटो फ्रेश टमेटो की आप ले लें, वो डाली। फिर उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 tablespoon ज़ीरा पिसा हुआ रोस्टेड, और 3 tablespoon शुगर। वन टेबल स्पून सोया सॉस, 1 tablespoon ऑयस्टर सॉस, 1 tablespoon इसके अंदर फिश सॉस जाएगी, 3 tablespoon स्वीट एंड सावर सॉस चाहिए। अब हम इसके अंदर ये अपनी फ्राइड विंग्स डाल देते हैं। इसको सॉस में बिल्कुल वो कोट कर लें अच्छी तरह से। देखें अच्छी तरह से मैंने सारा इसको मिक्स कर लिया। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बफलो विंग्स हमारी रेडी हैं, आप भी ट्राई करें और जो है अच्छी लगेंगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय।